हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस टेकर्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज किस नए वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर जो होता है उसका कैसे आप जो पे अमाउंट होता है उसको कैसे आप ऑनलाइन उसका कैसे पे करेंगे अपने UPI डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो इस वीडियो में ही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट पे लेटर है क्या। फ्लिपकार्ट पे लेटर एक तरह का आपको लोन देता है, जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है और आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, जैसे कि तो शुरू में आपको 2000 रुपये तक का लिमिट देता है, उसके बाद आपको बढ़ाता जाता है। मतलब कम से कम आपको 5 बार अगर इसका 2000 का ऑर्डर कर लेंगे उसके बाद आपको इसका जो लिमिट बढ़ा देगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट पे लेटर उन्हीं को मिलता है जो इनके कस्टमर पुराने होते हैं, यूजर, जैसे कि आपका इस पर अच्छा रिव्यू हो या जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं कैंसिल ना करते हो, आपका प्रोडक्ट आप ज़्यादा मंगाए रहते हैं, पुराने यूजर रहते हैं, तो आपको ये सुविधा मिल जाती है। इसमें क्या होता है, आपको 2000 लिमिट मिलती है और इसमें से आप 2000 के अंदर कोई प्रोडक्ट मंगाएंगे तो आपका जो है कि वो अगले महीने में 1 से 5 तारीख के अंदर आपका जो बिल है जनरेट हो जाएगा। तो उसी को आपको उसके 1 से 5 के अंदर आपको उसको बिल को पे करना होता है। अगर आप उसका बिल को पे नहीं करेंगे तो इसका चार्जेस लगता है। वो चार्जेस आपके प्रोडक्ट के ऊपर है कि आपका प्रोडक्ट कितना महंगा है 2000 का, मतलब अंदर में, मतलब उसी के हिसाब से आप पे चार्ज लगता है। आप पे अगर इसका पे नहीं करेंगे तो आपका जो अकाउंट उसको बंद कर दिया जाएगा। अगर बार बार नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, आप पे लीगल कोई भी केस कर सकता है फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से। तो आप अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करते हैं तो आप इसका पे लेटर से जो भी अमाउंट आप यूज करते हैं, जितना पैसा आपको यहाँ पर आपको पूरा पे कर देना है, नहीं तो आपके ऊपर ही दिक्कत होगी। सबसे पहले हम बताएं कैसे आप इसका जो पे अमाउंट उसको कैसे आप पे करेंगे। तो आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर अपने पहले ऐप्स को खोल लेते हैं। ये देखिए ऐप्स खुल चुका है। ऐप्स खुलने के बाद देखिए आपको 3 डॉट पे ऊपर जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो मेरे ऑर्डर में जाएंगे, माय ऑर्डर पे होगा आपको इंग्लिश में, और उसके बाद आपको जो डिलीवरी है ऊपर सबसे आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रोडक्ट मंगाया था उस पर चले जाएंगे। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो प्रोडक्ट है खुल चुका है। यहाँ पर जितना पे अमाउंट यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, आपका यहाँ पर देख दिखा रहा है आपका जो भी, यहाँ पर नीचे जाकर देख सकते हैं सारा समरी दिया हुआ है। उसके बाद आपको जाना होगा अपने मोबाइल को, उसके बाद आपको अपने मैसेज वाले में जाना है, आपको मैसेज में आना है। उसके बाद आपको एक फ्लिपकार्ट की तरफ से एक मैसेज आया होगा आपको पे करने के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो आपका जो फ्लिपकार्ट वेबसाइट जहाँ पर आपको पे करना होगा खुल जाएगा, तो उस पर लिंक क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह का जो है कि एक डिस्प्ले पे आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ गया अमाउंट, आ गया यहाँ पर पे के लिए आ गया है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं सारा डिटेल आ चुका है आपको कितना करना है। यहाँ पर देखिए आप 1001 पे लेटर आपका भी बचा हुआ है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर पे पे आप आपको क्लिक कर लेना, पे पे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का आप उसको चेक कर सकते हैं। आप एक करके देखिए आप पे वाले पर क्लिक करना है आपको, पे करने के लिए आपको देखिए पे पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको पेज पर भेज देगा, तो यहाँ पर देखिए UPI है और क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड, ATM से आप कर सकते हैं। तो आपको हम UPI से करके दिखाएंगे आपको, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, हम UPI से करके दिखाएंगे। क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म वाला जो है बटन उस पर आपको क्लिक करना है। तो कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके आपसे पूछेगा अगर फ़ोन पे से करेंगे तो UPI ID या फिर फ़ोन पे से करेंगे, फ़ोन पे करेंगे तो आपको वहाँ पर आगे के लिए कर देना है पे नाउ पे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर आपको सेंड OTP टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो उस OTP के यहाँ पर फिल करके उसके बाद जैसे OTP फिल कर देंगे, देखिए आपके मोबाइल नंबर पे, जैसे मेरा मोबाइल नंबर पे OTP आ गया है। उसके बाद हम इसको फिल करेंगे वहाँ पे, उसके बाद हम वहाँ पे जो है कि लॉगिन करेंगे, तो जो है कि मेरा OTP हम जो यहाँ पे फिल कर चुके हैं, फिर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का डेटाबेस आ गया, इस पर देखिए सेव कार्ड भी है, आप वहाँ पर जो आप कार्ड में सेव किए उससे कर सकते हैं, या फिर BMI UPI करेंगे तो आप UPI पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोनपे वाले जो फ़ोनपे एप्स होता है वहाँ पर आपको भेज देगा कि आपको पेमेंट करना है। आपको इस मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ से आया तो अपने फ़ोनपे पे ऐप्स को क्लिक कर लेंगे वहाँ पे जाके। उसके बाद आप खोलेंगे तो आपके वह डिस्प्ले पे शो कर देगा कि आपका जो अमाउंट है इतना है आपको पे करना है। आप पे वाले पे क्लिक कर लेंगे, पे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो सिक्योरिटी पिन है आप उसको देना है, ट्रांजेक्शन फी जो होता है। उसके बाद आप प्रोसेसिंग देखिए हो चुका है, तीसरे देखिए यहाँ पर देखिए दे दिया पेड आपका जो है कि सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ गया है
उसके बाद आपको यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको देखिए यहाँ पर दिखाएगा, आप अपने उस पर देख सकते हैं अपने फोन पे पे। उसके बाद चेक करके अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं कि मेरा बैलेंस कटा है कि नहीं कटा। देखिए आपके अकाउंट्स पैसा कट चुका है, इस तरह का मैसेज आ गया है। उसके बाद अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आप अपने फ़ोन पे से। उसके बाद आपको आना है, अपने चेक करके आपको मेन पेज पर आ जाना है। उसके बाद इसको आप कट कर लेंगे। उसके बाद आपको आना है फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे आएंगे तो आपका देखिए यहाँ पर आ गया, वी हैव रिसीव्ड योर पेमेंट। ओके, यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो 0 रुपये हो गया, जो आपका 999 का पेमेंट था, देखिए मेरे मैसेज पे में आ गया कि पेमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड, जो है कि फ्लिपकार्ट तरफ से आ गया कि आपका जो पेमेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे 0 रुपये शो कर रहा है। उसके बाद देखिए आप पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। देखिए पेमेंट मोड UPI था, यहाँ पर इस तरह से देखिए 0 पैसा हो गया। तो आप इस तरह से जो है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर का आप जो है अमाउंट उसको UPI का जो है उसको ऑनलाइन इस तरह से पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताएं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी दिक्कत है फ्लिपकार्ट पे लेटर से, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर से UPI या डेबिट या क्रेडिट कार्ड में या आपको लॉगिन करने में कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट करें। हम आपको कमेंट देख के आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और आप बेल आइकन को दबा दीजिए और आपको नोटिफिकेशन इसी तरह का मिलता रहेगा। हम जिस टैक्स रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।